99% लोग नहीं जानते हैं रक्तदान करने से होने वाले इन फायदों के बारे में, आप जरूर जान लें। रक्तदान महादान, यह कहते तो आपने कई लोगों को सुना होगा, आखिर यह किसी का जीवन बचाने का काम जो करता है। खून का दान किसी व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है, पर क्या आप जानते हैं कि यह जिस व्यक्ति की जरूरत है उसके लिए तो फायदेमंद है ही, पर जो व्यक्ति खून का दान कर रहा है उसके लिए भी यह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और इतना ही नहीं, यह हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी प्रक्रिया भी है। खून का दान करना या रक्त दान करने के लिए पहले के लोग यानी हमारी बड़े बुजुर्ग माना किया करते थे, क्योंकि पहले के समय में जिस तरह की प्रक्रिया खून निकालने के लिए अपनाई जाती थी वह बहुत ही असुरक्षित होती थी और इसके जरिए काफी सारी बीमारियों के होने का खतरा भी रहता था। इस कारण और उन लोगों को लगता था कि खून देने से शरीर कमजोर हो जाता है, जो कि एक भ्रम मात्र से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आइए आज हम आपको इससे जुड़े कुछ तथ्य बताते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं कि खून देने से क्या फायदा होता है इस बारे में। खून का दान करने से जो व्यक्ति खून का दान कर रहा है उसके शरीर से गाढ़ा रक्त निकालता है। दरअसल खून देने वाला व्यक्ति तब ही खून देने योग्य होता है जब उसका खून गाढ़ा हो, अन्यथा खून दान करने वाले के लिए यह प्रक्रिया घातक हो सकती है। इसलिए जिनका खून बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है वही खून दान करते हैं। जो लोग खून दान करते हैं उनके लिए फायदा यह होता है कि खून दान करने के बाद उनके शरीर में नया खून बनता है और वह बहुत तेजी से बनता है, जो कि शरीर के लिए अच्छा होता है। साथ ही खून बहुत गाढ़ा होने के कारण उनको दिल के दौरे का खतरा बहुत ज्यादा बना रहता है, जो कि अच्छा नहीं है। इसलिए इस प्रक्रिया से खून का पतला होना भी शुरू होता है, जो कि अच्छी बात है। इससे दिल के दौरे का खतरा कम हो जाता है और खून को संचार होने के लिए भी आसानी हो जाती है। गाढ़े खून को संचार होने में भी बहुत मुश्किल होती है, जो आपको आगे चलकर नसों में ब्लॉकेज, दिल की बीमारी, दर्द इत्यादि की परेशानी देता है और ऐसे खून में थक्के भी बहुत ज्यादा बनते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता। खून जमने के आसार भी ज्यादा होते हैं। जब नया खून बनता है और वह पहले के खून के मुकाबले पतला होता है तो शरीर में स्ट्रोक का खतरा भी कम होता है और साथ ही जल्दी उम्र बढ़ने की परेशानी भी कम हो जाती है।